मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में आपका कैपिटल बेस होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका नॉलेज बेस होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा तो कैपिटल बेस तो आपका एक टाइम के बाद अपने आप क्रिएट हो जाएगा अपनी स्टॉक रिटर्न से। तो इसमें घबराने की दिक्कत नहीं है कि यार हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें। आप शेयर बाजार के अंदर आज की डेट में 100 रुपया भी लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी लर्निंग पे फोकस करें। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो मेरे को इस इंडस्ट्री के पूरे इंडस्ट्री के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि मैंने कैपिटल कितना लगाया हुआ है, लेकिन मेरा नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरे को इस इंडस्ट्री की जो कंपनीज में मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसका इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है। तो अगर आप गूगल पे ही बेसिक रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की पेपर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और इसके कंपैरिजन में जो चाइना मार्केट है वो कितनी बड़ी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज आपको थोड़े डेटा पॉइंट्स देता हूँ जो कि आप ध्यान से नोटिस कर सकते हैं। इंडिया में हमेशा हर बंदा ये कहता है कि चाइना को हम ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन ये होती है इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स। क्योंकि स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट इसलिए हैं कि आपको डेटा के साथ बात करनी चाहिए, और डेटा के साथ अगर आप बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट के अंदर फैक्चुअल एरर्स हैं और वो फैक्ट्स आपको ढंग से स्टडी करना जरूरी है। जैसे कि इंडिया की अगर हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन चेक करें तो तकरीबन तकरीबन 20 मिलियन टन्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है पेपर, जो कि अगले 2-3 सालों में अराउंड 23 मिलियन टन्स पर एनम हो जाएगा 2025 तक। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं चाइना की मार्केट की बात करूं तो वहां का कंजम्पशन है अराउंड 120 मिलियन टन्स पर एनम का। तो इसमें आप ग्रोथ देखिए कि कितना बड़ा गैप है जो कि इंडिया अगले 10-20 सालों में फिल कर सकता है। मैं जब भी अपने कंपटीशन के अंदर चाइना को रखता हूं तो मैं एज एक एस्पिरेशन रखता हूं कि इंडिया अगर ग्रो होगा तो कितना बड़ा ग्रो हो सकता है अगर मैं चाइना के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं इंडिया का प्रोडक्शन के अंदर मार्केट शेयर देखूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 4% है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड की कैटेगरी के अंदर अराउंड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ग्रोथ अभी शुरू हुई है, और ऐसे केस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सी कंपनीज इसके अंदर लीडरशिप पोजीशन रख सकती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर 1 लाख 2 लाख करोड़ की अगर होएगी तो उसके की कंपनीज जो होंगी उनको सबसे ज्यादा मार्केट शेयर मिलेगा और वो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर में पैसा बना के देंगी। तो आपको ये पता चल गया कि इंडिया की प्रोडक्शन मार्केट कितनी है, इंडिया के कंपैरिजन में जो चाइना बैठा हुआ है उसका कितना बड़ा कंजम्पशन लेवल है जो कि इंडिया 10-20 सालों में क्रिएट कर सकता है, और उस कंजम्पशन को देख के अगर इंडिया में कोई कंपनी ग्रो हो रही है तो उनका आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं। तो अपना नॉलेज बेस स्ट्रांग करें और इस सेक्टर को स्टडी जरूर करें, क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है। सिर्फ शेयर प्राइस देख के कंपनी के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, उसकी स्टोरी को समझें। क्योंकि जब आपकी स्टोरी स्ट्रांग होगी तो आपको पता चलेगा कि 10-20% स्टॉक टूट भी रहा है लेकिन मेरी अंडरलाइंग स्टोरी जो है वो स्ट्रांग है, तो आपको मार्केट की शेयर प्राइस फॉल के अंदर फर्क ज्यादा नहीं दिखाई देगा। अब कंपनी का पढ़ने से पहले आप एक इंडस्ट्री का स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि क्या चल रहा है। कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में अगर आप कोई भी आइटम अपनी ई कॉमर्स की मंगाते हैं तो वहां पे जो पेपर की पैकेजिंग हुई हुई है वो पेपर इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इंडिया में जैसे ई कॉमर्स ग्रो होगा तो पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। आपके फूड डिलीवरी के अंदर भी जितना भी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है वहां पे भी पेपर यूज हो रहा है, और आपके फूड यूटेंसिल्स जो खाने के हैं वहां पे भी एक पेपर के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो आप ये सोचिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो न्यू एंट्रेंट्स इंडस्ट्री की घुसी हैं उसके अंदर कितना ज्यादा ग्रोथ का मोमेंटम बन सकता है। तो ये हुई पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात। मैं आपको बोलूंगा कि आप भी इसके बारे में फर्दर स्टडी करें और मुझे बताएं। थैंक यू।